हेलो वन एंड आई एम फॉलन ब्लर्ड एंड आज की वीडियो में हम बनाएंगे इस तरह के ऑसम लुकिंग शॉर्ट्स को। सो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस अब हम ब्लेंडर में हैं और मैं ब्लेंडर 2.91 यूज कर रहा हूँ शायद, और शायद लेटेस्ट वर्जन भी है। तो आप 2.8 भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई वर्जन यूज कर सकते हैं। तो एक्चुअली थोड़े से की से मेरी प्रॉब्लम हो, शॉर्टकट की इशू की चेंजेस आई डोंट नो। ओके सो मैं पहले अपने डिफॉल्ट की को सेलेक्ट कर लेता हूँ और एस दबाऊंगा और उसको थोड़ा सा रिसाइज करूँ जिससे मेरा कुछ शॉर्ट जैसा लुक आए। तो पहले मैं इसको जेड एक्सिस जाता हूँ, एक्स और एक्स दबा के उसको एक्स एक्सिस में करीब 5 यूनिट्स को कर लेता हूँ। आई थिंक 5 यूनिट सही रहेगा। आप शॉर्ट की जो ब्लेड है उसकी लेंथ अपने साथ कर सकते हैं, आप 10 भी जा सकते हैं, आई थिंक 5 से भी सही है। और उसको मैं थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ जेड एक्सिस में एस दबा। ओके ये सही लग रहा है मुझे, इतना सही है। ओके अब इसको मैं शॉर्ट का लुक देने के लिए मैं टैब मोड पे जाऊँगा, उसको थोड़ा सा इसकी मैस को एडिट करूँगा। ओके आप कर्सर को ओरिजिन यस ओके ना हम कंट्रोल प्लस आर दबाऊंगा मैं एक कट लूप लाने के लिए कट लूप को, और उसको ये करीब यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा। ओके ना मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद मैं इस वर्टिस को सिलेक्ट करूंगा और इसको इस वर्टिस से मर्ज कर दूंगा। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, एम दबाऊंगा एट लास्ट, और एट लास्ट करने के बाद इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ बस क्लिक करूंगा, एम दबाऊंगा और एट लास्ट। ओके सो इसका हो गया। अब हम कुछ और कट लूप डालेंगे, एम कंट्रोल प्लस आर दबाऊंगा और उसको एक ऊपर का कट लूप लगाऊंगा और एक कट लूप यहाँ पास लगाऊंगा मैं करीब यहाँ पास। ओके सो चाहिए अब एक और कट लूप एक ब्लेड से सेंटर से काटूंगा। ओके सो हमने करीब 3 कट लूप्स लगाए, एक यहाँ एक यहाँ। पहले मैं उसको मर्ज करता हूँ, एम दबा के लास्ट की तरफ मर्ज कर देता हूँ और इसको दबा के मैं इसमें से मर्ज कर देता हूँ। तो एक प्लेट जैसा लुक मिल गया यहाँ पर एक साफ प्लेट वजह से। ओके सेम प्रोसेस मैं यहाँ भी करूँगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक शॉर्ट जैसा लुक है यहाँ पास, एक अच्छा सा एक कट है और एक सही भी दिख रहा है मुझको। तो हमने एक शॉर्ट की ब्लेड बना ही ली है, थोड़ा सा यहाँ पास भी काम कर लेते हैं। अब मैं फेस मोड में जाता हूँ और ये दो फेस सेलेक्ट करता हूँ और दोनों को मैं ये दौड़ के एक्सट्रूड कर लेता हूँ। ओके ये दौड़ के एक एक यूनिट एक्सट्रूड कर लिया मैंने और कुछ ऐसा लुक दिख रहा है। ओके सो ये दिखने में थोड़ा नाइस लग रहा है हमें। ओके इसके अब थोड़ा सा हम एक हैंडल बना लेते हैं इसके लिए। ओके सो हम एड ऑब्जेक्ट जाएंगे मैस और मैं सिलेंडर चूज करूंगा। तो मेरे पास सिलेंडर आ गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आपको दिख रहा होगा, इसमें ऐड सिलेंडर में जाके वर्टिसेस को थोड़ा बढ़ा लूंगा, 128 करीब कर लूंगा। तो इतना नेसेसरी नहीं पर इसको थोड़ा स्मूथ लुक मिलेगा। ओके तो मैं उससे उसको कोई काम नहीं, मैं उसको रिसाइज कर लेता हूँ। जेड जाऊंगा एस दबाऊंगा कंट्रोल में साथ दबाऊंगा तो अच्छे से करे और करीब इतना कर दूंगा। मैं उसको रोटेट करना है तो मैं 90 डिग्री पे वाई एक्सिस पे रोटेट कर देता हूँ। ओके मैं जी दबाऊंगा एक्स दबाऊंगा और उसको कंट्रोल दबा के करीब यहाँ तक ग्रैब कर लूंगा। ओके मैं जी दबाऊंगा वाई दबाऊंगा एक एक्सिस यहाँ पास करूंगा, तो जी एक्स कंट्रोल यहाँ तक। ओके अब मैं जी वाई तो फ्रीली मूव कर लेता हूँ। सो इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ करीब इतना बड़ा, और एक्स एक्स पे इसको मैं छोटा कर देता हूँ और जी और एक्स एक्सिस मूव करते हैं करीब आई थिंक यहाँ तक सही रहेगा। देख सही लग रहा है। अब इस बार मैं इसको टैब में जाऊँगा और आई दबाऊंगा, और मेरे आई दबा के मैं इसके एक फेस को इंसर्ट करूँगा। ओके और मैं ई दबा के इसको ऐसे एक्सट्रूड कर लूँगा इस फेस को। मैं इस तरह मैं अपने पैटर्न को बना सकता हूँ, आई दबा के फिर से एक पैटर्न बना सकता हूँ आराम से।
सो मेरे पास कुछ ऐसा कूल पैटर्न आ चुका है मेरे शॉर्ट पे, और ये देखने में थोड़ा अच्छा भी दिख रहा है। ओके सो अब मैं ब्लेड पे जाता हूँ, ब्लेड को थोड़ा सा स्मूथ कर लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ही फ्लैट है और कुछ ठीक है। तो मैं इसके लिए मॉडिफायर टैब में जाऊँगा और जाऊँगा सब रिवील सरफेस सर्च करूँगा, एक ऐसा लुक मिल जाएगा। थोड़ा सा भी वेट दिख रहा है पर उसको सही कर देंगे अभी। तो मैं थोड़ा सा टाइम उठ जाता हूँ, तो आपको कुछ अभी भी एक बेस स्ट्रक्चर मिल रहा होगा अपना। मैं इसका मिक्स अगर नहीं दिख रहा तो मिक्स तो आप इसको इनेबल कर लीजिए, ओके। ये तो ये दोनों चीज़ आपको दिखेगा। तो मैं कंट्रोल प्लस आर दूंगा पहले और उसको इस तरह स्ट्रेच कर दूँगा, जैसे मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ मैं इसको भी स्ट्रेच कर रहा है ये, और ऐसे स्ट्रेच कर लूँगा। सेम प्रोसीजर इस साइड भी करूँगा और इस तरह भी कर यहाँ भी करूँगा और यहाँ भी करूँगा। नहीं लूंगा और देखने में थोड़ा अच्छा दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर स्मूथनेस आ गई है और मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लूंगा तो मेरी ब्लेड बहुत स्मूथ दिख रही है अब। ओके अच्छा स्मूथ दिख रही है। ओके मैं 3 ब्लेंडो भी कर लेता हूँ और हीट अप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास बहुत से मैस आ चुके हैं इसके अंदर। सो अब हमें अब थोड़ा सा अपने शॉर्ट की जो ब्लेड है उस पर थोड़ा पैटर्न बना बना देते हैं, इससे कुछ अच्छा दिखे। जैसे उसमें एक इमिशन मैप है, थोड़ी सी जगह से यहाँ से लाइट निकल रही है उस इमेज में, तो मैं ऐड जाऊंगा मैच जाऊंगा प्लेन। आप क्यूब भी सुन सकते चूज कर सकते हैं पर आई थिंक ये ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं टाइम मोड पे जाता हूँ, ये ऑन कर लेता हूँ इससे मेरा ये क्यूब दिखे, और मैं एस और वाई पे करूँगा इसको पतला, एस वाई उसको अपनी थिकनेस अपने हिसाब से रखिएगा। मैं जी और वाई पे थोड़ा नीचे कर लेता हूँ करीब यहाँ पास एस वाई पे और पतला यहाँ पर। ओके अब मैं एक्स एक्स पे थोड़ा पूरा बढ़ा लेता हूँ और एक्स एक्स पे बढ़ा लेता हूँ। मैं जी एक्स पे यहाँ खींच लेता हूँ उसको, साइज को थोड़ा बड़ा ही रखिए ज़्यादा सही रहेगा शायद यहाँ। ओके सो आई थिंक ये सही दिख रहा है एकदम, पर आप इंटरनेट से कोई भी पैटर्न यूज कर सकते हैं ढूंढ के अपने शॉर्ट की जो अच्छा लगे। पर मैं ऐसा एक सिंपल सा कूल ऐसे एक लाइन काटूंगा यहाँ से। अब यहाँ से मैं एक मॉडिफायर डालूंगा मिरर मॉडिफायर, इसको हटा देता हूँ मैं, इसको जेड एक्सिस लगा देता हूँ। ओके और टैब मोड पे जाऊंगा, ये दबाऊंगा, ये दबा के इसको शूट कर लूंगा मैम। ओके कोई जितना लंबा शूट है उतना कर लीजिए, मैं जितना ही कर लेता हूँ कोई जरूरत नहीं। अप्लाई कर देते हैं उसको यहाँ पर, वहाँ अप्लाई हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ जी वाह वाह जेड पे, और इतना कि ये थोड़ा उसको टच बस इतना करेगी, इसी भी टच कर रहा है उसको, एक टच दे रहा हल्का सा, थोड़ा सा और ऊपर सी हल्का सा टच ही चाहिए मुझको, हल्का सा करीब इतना। ओके सो ये हो गया है। अब हम ब्लेड को सिलेक्ट करेंगे और एड मॉडिफायर जाएंगे और मैं बूलिन इस्तेमाल करूंगा। ओके बूलिन डालने के बाद मुझे मुझसे एक ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, मैं आई ड्रॉ वाला चूज करूंगा आइकन और प्लेन को चूज कर लूंगा। और अगर मैं देखूं ध्यान से तो ये मेरी मैस को थोड़ा सा काट देगा, और मैं अप्लाई कर दूंगा और अगर मैं इसको ऊपर हटाऊं तो ये देखिए मेरे पे एक ऑसम सा पैटर्न आ चुका है मेरे शॉर्ट पे, ठीक है। अब मैं यही प्रोसेस नीचे साइड रिपीट करूंगा, इसको नीचे साइड कर लेता हूँ मैं सॉरी। ऐसा एक दो तरफ का एक पैटर्न आ जाएगा कुछ अच्छा सा, ये पैटर्न आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक और चीज मैं करना चाहूंगा यहाँ पर, मैं ब्लेड को चूज करूंगा फिर से बूलिंग मॉडिफायर डालूंगा। अब इसको इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये कुछ जो पार्ट है मेरा ब्लेड का ये हिस्सा ये कवर है, अभी कवर है तो उसको जरूरत नहीं है इसकी, तो इसे मैं हटा दूँ। तो इसका इजीएस्ट भी हटाने का मैं ये चेक करूँ और ये सेट करूँ, तो ये ऑटोमेटिकली ही मेरे हटा देगा।
और मेक श्योर ये डिफरेंस में तभी हटाएगा और मैं अप्लाई कर दूंगा उसको। अप्लाई करने के बाद हमारा सॉल्ट रेडी है। अब हम इसकी टैक्सिंग पार्ट कर सकते हैं। ना टैक्सिंग करने से पहले हम इसकी यूवी को पहले सही करेंगे, यूवी मैपिंग करेंगे। तो यूवी मैपिंग कुछ नहीं है, जो अपने 3D ऑब्जेक्ट को 2D में प्लेन में खोलना है, कुछ जो भी कोई सब करना है। पर उससे पहले उससे भी इम्पोर्टेंट स्टेप है, आप कंट्रोल प्लस ए दबाएं और जितने भी ट्रांसफॉर्म है उसको अप्लाई कर दीजिए। ये जरूरी है क्योंकि हमारे यूवी को नहीं पता कि हम कौन सा मैस, हमने क्यूब को इतना एडिट कर दिया है, हमारे यूवी को नहीं पता है। बस इसके अलावा यही करेंगे हम ऑल ट्रांसफॉर्म, और जैसे कहेंगे सब वन वन पे वापस हो जाएगा स्केल हो, जबकि हमने स्केल कहीं 5 कर दी थी और जेड पे 0.04 कर दी थी, तो सब वन वन हो गया है और ये सही भी है। तो मैं अब जाऊंगा यूवी रेटिंग पे, और अगर मैं सब सेट करूंगा तो हमें कुछ अजीब सा मैच दिखेगा। और अगर आपको यूवी, तो यूवी मैपिंग का सबसे आसान वे मैं बताऊं तो मैं यूवी और स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट कर दूंगा। अब मैं पहले इसको यूज़ करने से पहले मैं सेव कर दूँगा, क्योंकि हो सकता है कैसे कभी क्रैश कर जाता है मेरा ब्लेंडर, तो मैं इसको सेव करना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो मैं इसको नाम रखूँगा सॉर्ट, और मैं ओके सॉर्ट मैं पहले मैं आ चुका हूँ, सेकेंड बंद कर देता हूँ और सेव कर दूंगा। ओके सेव हो गई है, अब क्रैश हुआ कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यूवी स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट, और ये कुछ चीज़ें पूछे इसको एज इट इज छोड़ दीजिए अभी, और ये अपने आप कर देगा। अब मैं यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स है मेरे पास, इसको खोलते हैं हम लोग और थोड़ा सा आइलैंड मार्जिन सेट करते हैं। ये मेरे यूवी को दूर दूर कर देगा। ओके सही दिख रहा है, आप एंगल लिमिट भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। ओके तो ये सब छोड़ दीजिए, मैं 66 पे डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ, और मेरा हर चीज़ सही दिख रहा है। तो ये सबसे इजीएस्ट वे है यूवी अनरैपिंग करने के, ऑटोमेटिकली सब यूवी अपने आप लगा देगा। ओके तो हम इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे सेम प्रोसीजर, और यूवी स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट एंड सिंपली यूवी अनरैप करेंगे, इसको थोड़ा पास कर देते हैं। ओके सही है, अब एकदम क्लीन यूवी हमारा अनरैप हो चुका है, फालतू मार्क सेम करने को जरूरत ही नहीं है काटने वाटने के लिए मैं इसको। सो अब हम जा सकते हैं टैक्सिंग पार्ट पे, और टैक्सिंग पार्ट जाने के लिए हम सीधा शेडिंग पे जाएंगे और सीधा पहुंच जाएंगे अपने टैक्स का करने। मैं अपनी ब्लेड को सिलेक्ट करूंगा, न्यू मटेरियल दबाऊंगा। अब मुझे इसके लिए टेक्सचर चाहिए, तो मैं टेक्सचर इंटरनेट से ले सकता हूँ। तो मैं इसके लिए गूगल पे जाऊंगा, और गूगल पे मैं CCO टेक्सचर्स को सिलेक्ट सर्च करूंगा। ओके कुछ और सर्च हो गया, CCO टेक्सचर्स। ओके तो मैं इसको खोल लेता हूँ, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे टेक्सचर्स मिल जाएंगे। मैं कैटराइज पे जाता हूँ और ढेर सारे टेक्सचर्स मिल जाए। तो हमें एक्चुअली 33 टेक्सचर चाहिए, एक टेक्सचर हमारे ब्लेड के लिए और दो टेक्सचर्स हमारे हैंडल के लिए। तो हमें दो मेटल और एक वुड। तो आप मेटल को मैं यहाँ से कोई भी चूज कर लीजिए, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है तो मैं डाउनलोड नहीं करने वाला। और वुड वुड को भी ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे, आप वो वुड्स को चूज कर सकते हैं जो आपको लगे सही है मेरे मटेरियल के साथ। अगर डाउनलोड हो जाए, डाउनलोड करके उसको अनजिप कर लीजिए, अनजिप होने के बाद उसको कहीं पास रख लीजिए अपने पास, और उसके बाद जहाँ रखे हैं वहाँ पर जाइए। मेरा तो ड्राइव में है तो मैं उसको यहाँ सर्च ढूंढ लेता हूँ। यहाँ पास तो मेरे पे बहुत से टेक्सचर्स हैं यहाँ पास, तो मैं लूँगा अपने शॉर्ट के लिए मेटल 32, और मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, और उसको मैं यहाँ से सीधा पीस कलर में डाल दूंगा। तो ये ऑटोमेटिकली मेरा ये देख सकते हैं एक अपने आप टेक्सचर हो गया है। अब यहाँ पर मेरे बहुत से मैप मिलेंगे डिस्प्लेस में मेटलनेस नॉर्मल रफनेस, तो मेटलनेस मैप को डाल लेता हूँ मैं। ये कुछ ऐसा दिखता है, ये एक मेटल, तो मेटेलिक मैप भी आपको मिलेगा इसके साथ। इसमें मैं नॉन क्लियर डेटा दे देता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, और मेटेलिक मैप पर डाल देता हूँ। ये देखिए मेरा कुछ मेटेलिक मेटल जैसा दिखने लगी मेरी शॉट, और उसमें तो क्लाप्स कर देता हूँ, और मैं रफनेस साथ ले लेता हूँ, और रफनेस को भी कर देता हूँ नॉन कलर डेटा, और रफनेस में डाल देता हूँ। और रफनेस हमें थोड़ी बहुत हमें रफनेस देखने को मिलेगी अगर तो हम देखेंगे शॉर्ट को। और मैं नॉर्मल मैप भी डाल देता हूँ, पर नॉर्मल मैप डालने से मैंने एक चीज़ डालूंगा, इसलिए मैं सिर्फ ए दबाऊंगा और सर्च करूंगा नॉर्मल मैप, और सिंपली नॉर्मल मैप को नॉर्मल से जोड़ दूंगा। ठीक है, अब मैं नॉर्मल मैप डालूंगा,
इस बार नॉन कलर डेटा ये जरूरी है, और मैं नॉब्स को जोड़ दूंगा कलर से, और तो इसे स्टैंड बना देता हूँ 8, तो ये थोड़ा और अच्छा दिखेगा, जितना स्टैंड बनाएंगे उतना दिखेगा। मतलब मैं 10 कर देता हूँ, सही दिख रहा है उसको, एडिटिंग मोड कुछ ऐसा दिखेगा। तो हमारी ब्लेड अभी देखने में अच्छी लगने लगी है, तो अभी हम एक और मटेरियल बनाऊंगा स्लॉट 2, जिसमें इससे मेरा मटेरियल इमिशन मैप इसमें रहेगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस थोड़ी लाइन में बनाई थी यहाँ पर लाइन, उसमें से लाइट इमिट हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहली चीज मैं क्या करूँगा, मैं एडिट मोड में जाऊँगा, तो यहीं पर मैं टैप दबाता हूँ एडिट मोड में, फेस मोड सेलेक्ट कर लीजिए, और ये दोनों तरफ को मैं ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ दोनों तरफ। ओके सही है, तो अगर मुझसे क्या हुआ गलती से मैं छूट गया तो मैं दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो इस चीज़ों से बचने के लिए मैं सीधा वर्टेक्स यहाँ पर जाऊँगा और एक प्लस साइन दबा दूंगा, एक ऑटोमेटिक वर्टेक्स ग्रुप बना देगा और मैं इसमें असाइन कर दूंगा। ओके, तो अगर मैं इसको गलती छूट भी जाए तो तुरंत यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ और दोनों तरफ वो सिलेक्ट कर भी लेगा मेरे लिए। तो जल्दी से उसमें नया सा मटेरियल असाइन कर देते हैं, मटेरियल 2 से सेलेक्ट करूँगा और असाइन कर दूँगा यहाँ से, और देखिए ऑटोमेटिकली मेरा मटेरियल असाइन कर दिया है। पर मुझे चाहिए इमिशन मैप्स, ठीक है, मुझे चाहता हूँ कलर इमिट करें, तो मैं यहाँ मटेरियल टैप पर जाऊँगा और सरफेस में प्रिंसिपल BSDF है उसमें डाल दूंगा इमिशन। ओके, अब यहाँ से कोई भी कलर चुन सकते हैं, जैसे मैं ऑरेंज चुन लेता हूँ, स्ट्रेंथ को 20 कर देता हूँ तो कुछ ज़्यादा इमिशन होने लगेगा, 15 सही रहेगा। ओके, तो आपको इसमें नहीं दिखेगा, और इसमें भी हो रहा, तो हमारी जो है इमिशन करने लगा है। ओके सो ओके सही, अगर आपको थोड़ा सा अजीब दिख रहा है तो आप कुछ नहीं, आपको जाना अपना रेंडर इंजन में ब्लूम ऑन कर लेना, ये कुछ ब्लूम आ गया हमारा। ओके सो ये सही लग रहा है, लग रहा है इमिशन मैप है, ये थोड़ी लाइन ज़्यादा मोटी हो गई, तो कोई बात नहीं, आप ले ली पतली मान लीजिएगा। सो हमने अपने ब्रेक का टैक्स इंक्लूड कर दी है, अब हमारे हैंडल साथ भी कर देते हैं, तो हैंडल साथ मेरे पास दो मटेरियल है, मैं कहा था दो मटेरियल यूज़ करूँगा इसमें मैंने, तो मैं मेटल 33 लूँगा, तो पहले मैं न्यू करके दो मटेरियल्स के लिए बना लेता हूँ, और पहले मैं दे देता हूँ बेस टेक्सचर साइन से, मैं बेस कलर मैं डाल देता हूँ उसको। मैं नया मटेरियल बनाऊंगा न्यू, मैं एडिट मोड पे जाऊंगा और मैं फेस मोड से ऑल्ट दबाऊंगा, ऑल्ट ALT मैं ऑन कर लेता स्क्रीन कास्ट की, इसको ऑन को दिखाने रखते, तो मैं ALT दबाऊंगा और ये साइज सेलेक्ट कर लूंगी बाद में, फिर जाऊंगा वर्टिस ग्रुप में, वर्टिस डिस्टेंस ना हो जाए मेरी, और असाइन कर दूंगा मैं, ठीक है, और इस बार यहाँ भी करूंगा और ये सेलेक्ट करूंगा, इसमें मैं सेलेक्ट दबाऊंगा दोनों सेलेक्ट हो गए एक बार में और साइन कर दूंगा, तो दोनों एक बार में साइन हो जाएंगी, सेलेक्ट करूंगा दोबारा साइन हो गए, मैं जाऊंगा मटेरियल में असाइन कर दूंगा इसको, ठीक है, अब साइन हो गई हमें मेटल 2 में, अब उसको थोड़ा वुड टेक्सचर दे देते हैं, अगर मैं देखेंगे ध्यान से देखेंगे अगर मैं वैसे देखूँ तो ध्यान से मुझे कुछ क्रिप्सी सा लुक मिलेगा कुछ, तो मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ, कुछ ज़्यादा ही है ये 8, तो ये सही लग रहा है मेरे लिए। सो हमारी ब्लेड देखने में अच्छी दिख रही है, और मैं चाहता हूँ स्लॉट 1 में एक की और डाल देता हूँ इसमें, इसमें रफनेस को कंट्रोल कर पाऊँ, C+A कलर रैम, और उसमें इसमें डाल दूंगा, अब मैं कलर रैम से डाल रहा हूँ क्योंकि मैं टेक्सचर से तो कंट्रोल नहीं कर सकता इसकी रफनेस, अब इसको ब्लेड के मैं ब्लैक साइड को बढ़ाऊंगा तो ये इसकी रफनेस कम हो जाएगी। ओके, और उसको साइड बढ़ाऊंगा तो रफनेस बढ़ेगी जो मैं चाहिए था। ओके, और मैं इसको चाहता हूँ ये थोड़ा सा स्मूथ है, तो मैं कर ही लेता हूँ नॉर्मल में ऑटो स्मूथ और शेड स्मूथ, सो सही दिख रहा है, बढ़िया है, और मैं नॉर्मल मैप्स की वैल्यू बढ़ा देता हूँ 20,
अच्छा दिखे। ओके सो सही दिख रहा है। तो हमने अपनी शॉट को बना लिया है, अब पार्ट है हमारा रेंडरिंग का। तो रेंडरिंग करने के लिए मैं एनिमेशन टैब में जाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे दो व्यू मिलते हैं, एक कैमरा व्यू से मिलेगा और एक व्यू से मैं सेट कर पाऊंगा। तो थोड़ा सा मैं खींच लेता हूँ, ठीक है, और मैं व्यू को जाता हूँ, सॉरी कैमरा सेट करता हूँ, व्यू में जाता हूँ, अलाइन व्यू और अलाइन एक्टिव कैमरा टू व्यू। इसके अलावा कोई कैमरा होता है कि नहीं है, अब डिलीट कर दिए तो ऐड कैमरा, फिर मैं मेरा सहित हूँ। तो कैमरा व्यू में जाएंगे, मैं जी दबा के इसको थोड़ा सही कर पाऊँगा। मैं 100 कैमरा सेट किए हैं, मैं इसकी फोकल लेंथ को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, इससे मेरा पूरा ब्लेड आए मुझे सही है। ओके इसको मैं रेंडरिंग टैब में डाल देता हूँ। अब मैं थोड़ी लाइटनिंग डालता हूँ इसके ऊपर, एड लाइट्स, आई थिंक एरिया लाइट सही रहेगी। ओके सो हमें एक अच्छी लाइटनिंग मिल रही है, सही लाइटनिंग आ रही। थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ अपने बैकग्राउंड को पूरा डार्क ही कर देता हूँ, सही है। ओके सो हमने तो हम सारे कैमरा भी अब सबसे सर्टिफाइड आपका जिस सही है, तो आप चाहे तो और दे सकते हैं, आप एंड इंक्लूजन को भी ऑन कर सकते हैं, कुछ एफेक्ट पड़ नहीं रहा वैसे, और डेप्थ ऑफ फील्ड भी ऑन कर सकते हैं। और मैं स्क्रीन स्पेस सुननी चाहिए मुझे, सिर्फ जहाँ कलर मैच में जाऊँगा थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट डाल दूंगा, तो एक बहुत अच्छा सा कूल फीलिंग आ रही है मुझको, पर थोड़ा कम करते हैं कॉन्ट्रास्ट को, मीडियम हाई कॉन्ट्रास्ट करते हैं, ये सही रहेगा। और अगर सब कुछ सही है तो आप चाहे तो इसको रेंडरिंग को बढ़ा दीजिए, पर डिपेंडिंग ऑन जो स्पीसीज पैक, क्योंकि इसमें आपका पीसी क्रैश भी कर सकते हैं या बहुत ज़्यादा टाइम लेगा या बोल जाएगा पूरा। ओके सो मैं 28 कर दूँगी, सारा नहीं बनाना मुझको, और मैं रेंडर इमेज बनाऊंगा और रेंडर इमेज कर दूंगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, एक दो मिनट लेगा, पर हो जाएगा। ओके हो गया हमारा, और ये हमारी इमेज, आप उसको इमेज को सेव कर लीजिए कहीं पास भी। तो गाइस इफ यू डिसलाइक दिस शॉर्ट तो हिट लाइक बटन, इफ यू नीड मोर कंटेंट तो सब्सक्राइब चैनल कर दीजिए। सो वी मिलती नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।